नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका उमेश तिवारी के एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग दोस्तों, आज संडे का दिन है तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज मैं गया हूँ अपने कहलगांव के देवी मंदिर, जहाँ की 5 नवंबर से देवी यात्रा है। और आज सारे गाँव वाले यहाँ सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सुबह के 10 बजे हैं और मैं भी यहाँ पर आ रखा हूँ सफाई के लिए। और आज के इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको दिखाऊंगा देवी माता का मंदिर और पूरा यहाँ का पूरा दिखाया जाएगा आपको। आप वीडियो में बने रहिए, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं, यह है देवी मंदिर का मुख्य गेट, जो कि जब हम सालदे से आते हैं तो फर्स्ट में यह गेट आता है। और आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पर अभी सफाई से पहले मीटिंग कर रहे हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे ये कार्य होगा करके। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर रंग भी लगाया चुका है और हमारे नरेश चंद पपनोई द्वारा यह सब जो रंग का काम चल रहा है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी एक माता रानी के भक्त हैं और हर काम को लगन से करते हैं। और आप देख सकते हो यह है भगवती माता का प्रांगण कहलगांव। ये दोस्तों आप देख सकते हो, यह है देवी थान, हमारा देवी मंदिर और उसका आसपास का एरिया। यहाँ पर आज सफाई चल रही है काफ़ी। और ये आप देख सकते हो, अब ये खेतों में सफाई करनी है, आधी सफाई हो चुकी है, आधी लगे हुए हैं। आज सारे गांव वाले यहाँ आ रखे हैं और देखो कौन कौन आता है अभी सफाई के लिए। माता रानी का काम है, जिसको जिसको आदेश होगा वो आएंगे यहाँ पर और अपना सहयोग देंगे। पूरे गाँव का मंदिर है, पूरे कहलगांव का। तो यहाँ आप देख सकते हो सफाई चल रही है आज, और यहीं पर हमारी यात्रा की जो है यहाँ पर वो चलेगा। और ये हमारे बासपा भाई हैं, अभी मैंने देखा आपको शेखरता भी दिखाई, ये हमारे बासपा भाई देख सकते हो आप, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये देखो हमारे बासपा भाई, बहुत बड़ा ये इनर माता रानी की धुनी के लिए ला रखे हैं यहाँ पर। और हाँ, और ये आप देख सकते हो काफ़ी, ये हमारे चाचा जी हैं, हरदा चाचा जी, जो कि इस उम्र में भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। ये हमारे बासपा का लड़का है, काफ़ी अच्छा सफाई कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष पपनोई। ये बच्चा हमने देखा नीचे शिवालय में जब सप्ताह हुई, उस टाइम भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम कर रहा था। और हमारे हिमांशु, ये सब लगे हुए हैं अपने, ये देख रहे हो सारे लोग यहाँ पर। और आपको थोड़ा कमरे दिखाता हूँ दोस्तों, ये है कमरे, आज पहली बार मैं भी इन कमरों के अंदर देख रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सफाई चल रहा है। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी शानदार यहाँ पर कमरे बन चुके हैं। और अभी ये जो जितने लोग मुंड लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था, पहले वाले कमरे उधर हैं, जो नए 2 रूम बना रखे हैं। ये है दोस्तों, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा यहाँ पर फर्श भी बना हुआ है। और ये हमारा एक पीयूष और है, ये हमारे नरेदा का लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, पारस स्वप्नोई, ये भी लगा हुआ है यहाँ पर। इधर
तो दोस्तों मैंने थोड़े कांटों की सफाई कर दी। तो दोस्तों ये देख सकते हो बहुत कम लोग आए आज, और ये हमारे बासवा भाई और मैंने यहाँ मिलके, देख सकते हो ये रास्ता जो मेन रास्ता है ना शालदे से आने के लिए, जो भी बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनके लिए सफाई ये मेन है काटने के लिए। और बासवा कुछ कहना चाहोगे? लोग कम आए हैं क्या बात, जबकि गाँव बता भी दिया था अपना अपना है। कई लोग दूर के हिसाब से नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन ऑल ओवर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मंदिर का काम है। जी जी जी, समय निकाल के जरूर आना। जी जी जी, तो दोस्तों आपको आगे दिखाते हैं। ये जो तो दोस्तों यहाँ चल रही है सफाई, हमने भी काफ़ी सफाई कर दी और अभी थोड़ा और सफाई करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो आप देख सकते हो जो है मेन हमारा जो रास्ता है मेतखाल से यहाँ तक का। मैं कह रहा था कि गांव के सभी लोग, सभी माताएं बहनें ये रास्ते को एक दिन एक घंटा टाइम निकाल के इसको वो कर देती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हमारे गांव में बाहर के जो लोग आते उनको सही से, क्योंकि आप गाड़ी यहाँ होगी, रोड यहाँ हो गया तो उनको अच्छा सा रास्ता मिल जाता है यहाँ पर। तो एक दिन अगर सफाई हो जाती सही रहता। और यहाँ पर ये इन्नड़ उतर गए हैं और ये लकड़ियाँ भी उतर गई हैं यात्रा के लिए, बहुत ही सुंदर। और ये जय माता दी, माता की धुनी के लिए ये आगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। ओम स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।